मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से नई शिक्षा नीति लागू की है तब से मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2021-2022 के सकल नामांकन अनुपात अखिल भारतीय अनुपात 28.4 की तुलना में 28.9 दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय औसत से आगे निकलना प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए सभी को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनसंपर्क आयुक्त श्री संदीप यादव सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर उपलब्ध जल क्षमता के उपयोग एवं विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की बैठक कर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में आगामी मार्च माह में उज्जैन में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट 2024 की तैयारियों के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खनिज विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर वरिष्ठ अधिकारियों से खनिज राजस्व प्राप्तियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में 62,78,000 रूपए की लागत से बने नवीन प्रवेश द्वार एवं 50,00,000 रूपए की लागत से बने HRD हॉल का लोकार्पण किया तथा 2 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के भवन का भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में MBA विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एल्यूमनाई मीट का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर की राजीव कॉलोनी में रसोई गैस टंकी फूटने से हुए दर्दनाक हादसे में घायल श्री राजेश पिता मोहनलाल पुरवाल जी से जिला अस्पताल पहुंचकर कुशल क्षेम जानी।